बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा शो विथ मी मतीरा। बारिशें हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। आज जो हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान हैं, दो छोटे छोटे गेस्ट थे, बहुत ही छोटे छोटे गेस्ट थे, मतलब इतने छोटे छोटे क्या बोल गया गेस्ट किधर गया, पर नहीं नहीं नहीं, बड़े प्यारे हैं, बड़े स्वीट से हैं। टू ग्रेट टिकटॉकर्स, दैट इज अंजिश फातिमा एंड अहमद मिर्जा। सो यस, हम वेलकम करते हैं, सो लेट्स गो। हाँ जी, वाह 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 अंजिश, इतना छोटी कैसे हो गई है? Like honestly, how old are you? 13. हाँ? 13. What? 13. क्या? जी. कैसे हुई? 13. 13 या 13? मुझे लगा मेरे कान. 13. 13 साल की हो? जी. आप बताएं, आप भी 13 क्या है? नहीं, मैं 13 का नहीं हूँ, मैं इनसे 6 साल बड़ा हूँ. तो 6 साल क्या होता है? 21. वाह 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 वाह, वेरी नाइस, गुड एज गैप। ओके, तुम इसको जानते हो? जानता हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कितने साल? यार तुम्हें मसला है, 13 साल की बच्ची फंसा कर चल रहे हो, बंदा की हो यार। असल में मैंने इसको बीच में ना काट दिया था, तो फिर इसको अपने बहुत शर्मिंदगी होने लग गई, मैं इतनी छोटी। या एक मिनट, तुम मच्छर हो? नहीं, कुत्ता हो, मतलब एक बीच में कहते ना किसी काट गया था, मतलब क्या होता है बताओ। एक किसी को कहते ना कि आपस में कोई दोस्त यार होते हैं कि मुझे काट के चले गया, मुझे ये करके चले गया, कुत्ते वाला नहीं। हाँ, वैसे ही एक आपस में होते ना, गैदरिंग में किसी को काट दिया तो उसको कहते हैं काट। ओके, तो कैसे काटा था? वैसे कितने टाइम से इसको जानते हो? मैं 1 साल से, जब से पाकिस्तान स्टार में ही तब से जानता हूँ। 12 साल की थी जब से? वैसे मुझे भी यकीन नहीं आया था। तुम 12 साल से ही माशाल्लाह ऑनो, ग्रेट, लगती नहीं ना 12 साल की, 13 साल की। वैसे 12 साल में टैलेंट क्या था? डांस। डांस, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। और कैसा, कथक, बैले, क्या? फ्रीस्टाइल। फ्रीस्टाइल, ओह वाओ, तो इतने बड़े जूते में यू विल बी एबल टू शो अस, थोड़ा सा कर सकेंगे? अभी छोड़ दिया है, अब एक्टिंग की तरफ फोकस। तो किसको पकड़ा है डांस छोड़ने के बाद? एक्टिंग को पकड़ा है। ओह, ये क्या करता है ये? हाँ, ये भी एक्टिंग करता है। तो इसी को तो नहीं पकड़ लिया, तुम इसको बुलाते हो, तुम हो मेरी एक्टिंग। ओके, तो दोस्ती तुम लोग की, ऑफ कोर्स जब आप सुनते हो कि 12 साल के बच्चे से तुम दोस्ती कर रहे हो, एक 20 साल का बंदा, बड़ी ऑकवर्ड सा एक माहौल हो जाता है ना, शर्मिंदगी फील हो रही है ना। तुमने तो कालम मुंह कर दिया नेशनल टेलीविजन पर आकर, मजाक कर रही हूँ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट कभी अम्मी अबू ने बोला कि मेरे माशाल्लाह बेटे हैं, लेकिन अगर वो उनके दोस्त 4 साल बड़े होते हैं, मैं तो उनकी सीधा क्लास ले लेती हूँ। कि एक एक चीज़ होती है कि बच्चा अपनी उम्र में दोस्ती बनाए, वो एक अलग चीज़ होती है, यू नो, बड़े ग्रुप में जाता है वो एक अलग चीज़ होती है, वो इतनी वो चीज़ें इतनी जल्दी सीख रहा होता है जो नहीं सीखनी चाहिए उस वक्त। तो तुमने क्या सीखा? मैंने, मतलब मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं है। ओके, तो ये भूत है? नहीं, ये यहाँ तक के, मतलब तुम फ्रेंड नहीं हो, तुम सिर्फ एक्टिंग हो, तुम सिर्फ एक्टिंग। हाँ, एक साल ऐसे ही मैं इनके एक्टिंग के लिए। हाँ, अगले साल तुम क्या करोगे एक्टिंग के बाद? वैसे तुम एक्टिंग में क्या करते हो? मैं करता नहीं एक्टिंग, उन्होंने गलत बताया मेरे बारे में। पैदा कब हुई थी? 2008। ओह माय गॉड, ये तो असली उम्र है। हाँ, तो अम्मी अबू ने कभी कुछ नहीं बोला तुम बेटा क्यों, तुम बहुत छोटी हो, घर में रहो? नहीं, मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया फैमिली ने मुझे। ओके, फायर जो बनना है तुम जाओ। स्टार साइन क्या है तुम्हारा? वर्गो। वर्गो, नाइस। तुम्हारा क्या है? एरिस। हाँ, एरिस। टिकटॉक पर कितने आपके फॉलोअर्स हैं? असल में टिकटॉक बहुत कम बनाता हूँ, वैसे जब बनाता हूँ तो मेरे हो जाते हैं तकरीबन 80,000 फॉलोअर्स। अभी कितने? 80,000। 80? तुम? मैंने जब से बैंड हुआ है मैंने चेक ही नहीं किया। ओके, पहले कितने थे? पहले 2 लाख से ऊपर। वाओ, दैट्स नाइस। सिर्फ डांसिंग वीडियोस? नहीं,
एक्टिंग वीडियोस ओके तो एक्टिंग में क्या पसंद है तुम्हें मुझे पहली दफा किसको देखकर इंस्पिरेशन हुई कि यार मैं मुझे इस तरह डांस करना है डांस रैम्बो डिसूज़ा जो है कौन रैम्बो डिसूज़ा स्कूल में भी अपने बड़े बच्चों में जाती हो उंगलियां देने के यार मुझे दोस्त बनाओ एक होता है ना बच्चे बोलते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं लेकिन पंगे करते हैं बड़े बड़े दोस्त तो वो या अपने मैं अपनी क्लास में रहती अपनी क्लास ओके तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है शिफा कौन शिफा ओके बट एनीवेज कोई बात नहीं गाइज अभी फिलहाल क्योंकि शादियों का टाइम है और माशाल्लाह शादियां बहुत हो रही है वंस अगेन मिनाल एंड हसन मुबारक हो आपको ब्राइड टू बी भी सबूर भी है और काफ़ी यू नो चीज़ें हो रही है सो इट्स रियली रियली एक्साइटिंग लेकिन हम देखते हैं कि शादी में क्या क्या हुआ लेट्स गो एंड सी वेलकम बैक पाकिस्तान जी हाँ हमारे साथ हमारे दो प्यारे मेहमान हैं और अंजिश का मतलब क्या है जन्नत का फूल जन्नत का फूल और तुम गोभी का फूल नहीं नहीं तुम कौन हो अहमद इंसान नहीं मतलब क्या है नाम का ये तारीफों के काबिल ओह वाह 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 कौन सा किला फतह किया है बताओ यार अभी तक तो कुछ भी नहीं किया फिलहाल जितने भी शोस वगैरह कर रहा हूँ मैं तो गेम शो फिर ये भी चैंपियंस लीग में होगा साइड में ओके गेम शो में क्या तुम्हें एक चीज अच्छी लगी और एक चीज बुरी लगी मुझे यहाँ पे अच्छे दोस्त मिले मुझे ओके 12 साल की बच्ची भी मिली और लेकिन मुझे दूसरी चीज ये मिली कि सारे डबल फेस होते हैं क्या होते हैं डबल फेस होते हैं मीडिया में तो कैसे डबल फेस कैसे होते हैं सामने कुछ होते हैं पीठ पीछे कुछ होते हैं ओके तो तुम दोनों साइड की चेक करते हो एक साइड पर टिके रहो ना नहीं होता ना जब सामने तो सब सही रहता है मसला ये है नहीं नहीं तो किसने तुम्हें डबल फेस वाला रूप दिखाया और किस वजह से बहुत सारे लोग हैं कोई एक वाक्य बताओ नाम नहीं बताओ लेकिन हमें एक बताओ कि उस इंसान ने ये किया और जो इंसान मेरा एक दोस्त है फरदीन ना मैं नाम नहीं बताओ मेरा एक दोस्त है फरदीन दोस्त सकते हो हां चलो तो मैं उससे लेकर आया था शो में ना मतलब उसको मैंने इन करवाया था ये रैपर्स हुआ था ना पाकिस्तान रैपर हुआ था उसमें मैंने उसको इन करवाया था तो माशाल्लाह वो इतने भारी हो गए इतने बड़े हो गए कि ना वो पूछते ही नहीं ओके जी आपने बहुत जोर से इन करवा दिया आप ही आउट हो गए आप ही आउट हो गए ये साइड डबल फेस है तो क्यों ऐसे क्यों हो रहा है कि वो शायद बेचारा काम भी कर रहा होगा उसकी बहुत सारी और चीज़ें हुई क्या मतलब क्या पूछते रहे मतलब क्या करते रहे तुम्हारे साथ मतलब पहले उससे पहले मेरा एक सॉन्ग आया उसका सब कुछ आया ठीक है उसके बाद अब हम मैसेज करें तो अब रिप्लाई नहीं आता गाना गाते हैं नहीं मैं गाना नहीं गाता गाना वो गाता है ओके तो गाने के बाद उसने रिप्लाई करना बंद रिप्लाई शो में आने के बाद रिप्लाई करना बंद हो गया वाह चलो तुम्हें तो सबक मिल गया तुम्हें कौन सा सबक मिला बहुत कुछ सीखा और सभी मुझे तो यहाँ तक सब अच्छे मिले इंशाल्लाह आगे जाओगे तो और अच्छे मिलेंगे ओके तो अच्छे और बुरे की डेफिनेशन बता बुरा ऐसा है कि मतलब जैसे इन्होंने बताया कि पीछे ये बुरा है नहीं नहीं अच्छा मैम ये अच्छे बुरे की डेफिनेशन नहीं नहीं हाँ अच्छा वो होता है जो सामने भी अच्छा हो आपके के पीठ पीछे जाके किसी जैसे बुरा वो होता है जो पीठ पीछे जाके मतलब ऐसे बातें करते हैं ओके नाइस लेकिन फरदीन मेरा दोस्त अच्छा है सब कुछ सही है लेकिन सामने कुछ है पीठ पीछे कुछ हो जाता है मतलब जब किसी को इन करवाया है तो पहले जैसे थे ना वैसे ही रहने चाहिए यहाँ पे जितने भी फरदीन की बात नहीं कर उसके अलावा जितने भी लोग हैं सारे डबल फेस है अब ये मेरा सामने कुछ होती है किसी और से मिलेगी तो कुछ और होगी ऐसा जैसे एक बात बताओ क्या हमें यहाँ टिश्यू का डब्बा लगाना पड़ेगा चाहिए क्यों हमेशा रोती रहती है कौन मैं हाँ शो शुरू होता है मैंने सुना है रोती है शो खत्म होता है मैंने सुना है रोती है ब्रेक के बीच में रो रही होती है क्यों बहुत जल्दी रोना आ जाता है क्यों वैसे डिप्रेस तो एंजाइटी किसी ने डांट लिया तो रो जाओगे ओके तो कौन तुम्हें डांटता है मेरी टीम में से कुछ कभी कभार जैसे अगर मैं कुछ गलत कर लेती हूँ तो अगर गेम कोई अच्छी नहीं खेलती हूँ तो मतलब सिखाने में वो डांट देते हैं तो उस पर बट जैन राइट हाँ उसने तुम्हें डांटा है वो डांटते रहते हैं वो डांटते रहते हैं सबकी सुनते रहते हो क्यों सुनती मैं रहती हूँ बस मैं क्या बोलूँ आगे से नहीं बट एक सिंपल सी बात है मैं हमेशा इस चीज़ की बोलती हूँ कि
देखो हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत करो, लेकिन अगर कोई गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उम्र में बड़ा है तो आप उनकी उम्र के लिहाज, अगर आप सही हो तो आप अपने आप के लिए स्टैंड ले सकते हो। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है कि दुनिया जब तक आपके ऊपर हावी होगी जब तक आप होने दोगे। अगर आप गलत नहीं हो और पूरी टीम आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि अच्छा गेम नहीं खेल रही, अच्छी तरह नहीं खेल रही, तो ये आपका फॉल्ट नहीं है ना। कभी इंसान जीतता है कभी हारता है, ये होता रहता है। तुम कौन से गेम्स खेलते हो? सॉरी, कौन से? ऑलराउंडर हूँ मैं तो, वैसे क्रिकेट खेल लेता हूँ, बैट बॉल खेलता हूँ, स्नूकर खेलता हूँ। ओह वाओ, हम शो की बात कर रहे हैं। अच्छा शो की बात कर रहे हैं, शो में मैं तो एक है बट डिफरेंट बात बताओ। एक सवाल है, क्रिकेट और स्नूकर, बैट बॉल, बैट बॉल फर्क क्या है क्रिकेट और बैट बॉल में? हाँ, क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल खेला जाता है। हाँ, और बैट बॉल जो है वो हम बच्चे खेलते हैं। तो आप मुझे बताओ अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती हो? बहुत ऊपर, तो लवी के पास सुनने बन क्या हो गए इतना नहीं नहीं कितना किसी की गोद में इतना ऊपर तो गोद ही होती है नहीं कितना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ऊपर जाऊंगी और बहुत अच्छी एक्टर बनूंगी। किसके साथ काम करना चाहोगे? किसके साथ? गर्ल्स में। सिर्फ गर्ल्स के साथ काम करोगी? मर्द अलाउड नहीं, लड़कियां ही सिर्फ चलेंगी, लड़कों नो नो नो। ये कौन सा काम है बताओ? बड़ी हो जाओगी तो चल जाएगा। अभी छोटी है तो सिर्फ गर्ल्स के साथ, बड़ी हो जाऊंगी तो चल जाएगा, लेकिन काम सबके साथ करना पड़ता है ना, चाहे आप छोटे हो, नन्हे हो, बड़े हो, काम तो एक लड़की भी करती है, एक मर्द भी करता है, काम तो काम होता है। क्यों तो क्या करोगी बहन? काम क्या है तुम्हारा? काम एक्टर बनोगे ना? एक्टर क्या, रोड पर एक्टिंग? हेलो जी भाई, मैं एक्टर हूँ। सुनो भाई, मैं एक्टर हूँ। ओए एक्टर, चलो आप ओए तुम्हें मैं एक बड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना देती हूँ, ठीक है? इतने चोरी ना हो, बदबू आ रही है, नीचे रखो। मजाक कर रही हूँ, मजाक यार, मैं मजाक करती रहती हूँ। आपको इनको बताना है कि आप इनकी फिल्म के लिए बेस्ट हीरोइन है और आप उनका ऑडिशन लेंगे। मैं एक बहुत अच्छी एक्टर हूँ, मैं कर सकती हूँ, आपकी फिल्म में मैं आ सकती हूँ, मुझे कैसे ले लूँ? मैं कैसे, क्या है तुम्हारे ऐसा टैलेंट, क्या मुझे बताओ? मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, देखा मैं कितनी प्यारी हूँ। तो ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं तुम्हें लूँ अपनी फिल्म के लिए? मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ। कैसे कैसे? वो मैं बता दूंगी ना जब आपका ड्रामा आने वाला, आप पहले मुझे सेलेक्ट तो करें। मैं अपनी पहले कास्ट तो बता दूं, मैं है क्या, करना क्या है आपने? क्या करना है बताएं? आपने करना कुछ है, जैसे अभी मथीरा आई थी वहाँ से, तो उन्होंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, दिस मेरा ये मथीरा शो, इस तरह आप एक दफा करके दिखा दें। मैं यहाँ हूँ, ये आप और आप, हम सब नहीं है, ये दोनों तन्हा है। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूँ मथीरा और यह है द इंस्टा शो, आप लोगों का पसंदीदा। थोड़ा सा तो होता है ना। आप वो कौन ही बताऊंगा? मैं हूँ अंजिश फातिमा। तो मथीरा क्यों बोल रही हूँ आपको? वो अभी इस वक्त मैं उनके शो में बैठी हूँ। मथीरा तो वो है ना, वो है ही नहीं। आप मैं नहीं हूँ, मैंने कहा उनकी आपने एक्टिंग करके दिखा ली है। हम दोनों हैं। अच्छा, और क्या? चलिए मैं वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको पता है मैं हूँ अंजिश फातिमा और यह है दी इंस्टा शो, आप लोगों का पसंदीदा शो। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये मेरे रिव्यू पे कौन सी कास्टिंग चल रही थी? कौन सी कास्टिंग थी भाई? शुरुआत फिल्म से हुई, ड्रामे में घुसने जा रही थी, ऑडिशन लेने चाह रहा था। और ऑडिशन में ये होता है, ऑडिशन में ये होता है, रोको बताओ, ये मैं बताओ, भी कहने लगा था सिचुएशन दी जाती, ये क्या मेरे शो में डाल दिया? अंजिश फातिमा नहीं, बंदा रोता है, माँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, ऐसी सिचुएशंस होती है, या मेरे करण अर्जुन आएंगे
या मेरे करण अर्जुन खो गए, कुछ तो होता है। देखिए अगर मेरा शो इस तरीके का हो जैसे आप कर रही हैं, हाँ तो शो नहीं है आपका। अच्छा, आपकी फिल्म में अन्य दियो मेरे कैरेक्टर, ये लोग क्या सुनकर बैठे हैं मुझे बताओ, सब बंद है। चलो जी, जिस तरह आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं और ये हफ्ता तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये साल इतना यूँ आता है यूँ जा रहा है, मतलब इतनी जल्दी जिस तरीके से महीने गुजरते थे इस तरह साल निकल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। सो यस, लेट्स सी इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, लेट्स गो इंस्टाग्राम। वेलकम बैक एंड यस, हमारे साथ है अंजिश एंड अहमद। आगे फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं शेफ बनता हुआ। क्या पकाओगे दिमाग के अलावा? खाना। क्या? सब कुछ। क्या पकाना आता है? मुझे पकाना कुछ नहीं आता, मेरे वालिद साहब है शेफ है ना। ओके, तो हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर ही मुझे यही दिखता है। गाइस, अब्बू जी खाना पकाते हैं फिर तो अम्मी जी बड़ी खुश होंगी, है ना? लेकिन घर में नहीं बनाते ना। क्यों? बाहर से थक जाते हैं तो घर में आके बनाते ही नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी जो कभी कभी होता है, लेकिन ये ज्यादातर तो मम्मी को करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि पापा ने कर लिया तो मम्मी खुश हो गई, वरना तो ज्यादातर तो मम्मी करती है। वरना पूरा टाइम, मतलब कितने बहन भाई हैं? हम लोग तीन हैं। तीन? ओके, यू आर द ओल्डेस्ट? यस। ओके, एंड द अदर टू कितने छोटे हैं? मुझसे, सॉरी, सबसे छोटा मैं हूँ। Okay. मुझसे दो बड़े हैं, एक मेरा सबसे बड़ा भाई है, बीच में बहन है, उससे छोटा मैं। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे ऊपर कौन है नीचे? ये कौन सा खाना? अरे बंदे की याद ही नहीं, एक मिनट आप, मेरे कितनी बहनें हैं, किधर है, कितनी होंगी? अल्लाह जी, यार बहन भाई को याद करना इतनी मुश्किल चीज़ है? नहीं, असल में अब मेरे ना घर के अभी शादी हुई है ना, तो सब कुछ चेंज हो गया। अब बहन की जगह भाभी आ गई है, तो इसलिए सब रूटीन चेंज हो गई हम लोग। नहीं तो बहन की जगह भाभी आ जाती तो बहन घर में, समय अब हम लोग को एक आदत थी कि हम बहन ये वक्री चीज है, भाभी आ जाए तो बहन को भूलो, ये क्या है? मेरी बहन भी ऐसे ही कहती है, मुझे भूल के बैठे हो यार। सही बोलती है, अगर बंदे को याद नहीं है कि बहन है, बहन बड़ी है छोटी है, वो याद ही नहीं है, चुपेड़े लगाऊ ऐसे भाई को। हाँ तुम बताओ, तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ? मैंने नहीं, ऐसे ऐसे क्या, अपने दिमाग में क्या चल रहा है अभी? कुछ भी नहीं, खाली है एक छोटी सी अंजिश, जैसे भाग रही है, ये वाला हाल है। सीरियसली, एक इतना सा एक ट्रिक राइड जैसी एक चीज, और जिस बार कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ओके, सबसे फनी इंसिडेंट बताओ जिंदगी का। सबसे फनी? रोज ही फनी हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि मैं शो में हूँ ना, खुश रहो पाकिस्तान में हूँ, वहाँ पे शराबी भाई है, वो कॉमेडियन है, तो वो एक्ट जो करते हैं, कॉमेडी जो करते हैं, उस पर बस वो फनी ही लगता है, रोज ही मैं हंस रही होती हूँ। तो कुछ ऐसा बता रहा जो हम भी हंस ले। उनके सारे यार आपस में दिमागी दिमाग में चल रहा है, ये दिमागी मसला है या ये फॉल्ट अभी हुआ है? ये अभी हुआ। अभी हुआ है। ओके, हाँ मुझे लग रहा है शराबील बहुत ही इनके दिल के करीब है। शराबील 30 साल का है ना? पता नहीं, पता नहीं। शराबील, शराबील कौन है? शराबील जिसके गंजे में बाल उड़े ना। शराबील कितने साल का? 30 साल का है। ओके, बड़े। नाइस नाइस। कौन सारे बड़े दोस्त क्यों है? वो मेरी टीम में है ना। हाँ। बड़े दोस्त नहीं है, असल में इनकी एज छोटी है, लोग तो सही है अपनी जगह पे। जी बात सुन, एज इतनी छोटी कैसे? मतलब कैसे आ गए, लाइक इंडस्ट्री में कैसे आ गए? दुनिया में नहीं, इंडस्ट्री में। दुनिया में अजीब ही हो जाएगा। मेरा जो फर्स्ट शो था ना, वो साहिल लोधी का था। ओके, ठीक है, उसमें मैं डांस के लिए गई थी। ओके, और मैं सेलेक्ट हुई थी और मैं फाइनल भी आई थी, मैं फोर्थ आई थी उसमें। फिर उसके बाद मैं एयरवाई में गई, फिर उसके बाद मैं सनम जन के शो में गई। ओके, फिर उसके बाद मैंने कमर्शियल्स किए, मैंने ब्रांड शूट किया। कौन सा कमर्शियल, लाइक कुछ कुछ? मैंने फूड पांडा का किया, HBL का किया। ओके ओके, और उसके बाद बोल में आई। ये आपको हमें हमें स्पॉन्सर करना, हमने आपका नाम लिया, थैंक यू। हाँ और मैं फिर बोल में आई। ओह वाह, तो बोल में स्टार्ट कैसे हुआ? किसने बोला यार बोल पर जाना?
बोल पे मैंने खुद ही देखा था शो, ठीक है, फिर मुझे पाकिस्तान स्टार जो आ रहा था, कौन सा डांसर, पुराना वाला, पुराना वाला, ओके, पुराने वाले, तो उसमें मैं आई डांस के लिए, मैंने वो आप थी जो हमजा ने आपको हाँ स्कूल किया था, वो आप थी? नहीं नहीं वो मैंने थी, वो आप थी, कौन सी, हमजा अली अब्बासी ने एक आपने आइटम नंबर क्या था? नहीं नहीं मैं वो नहीं थी, आप वो नहीं थी, नहीं मैं तभी तो सेलेक्ट हुई थी इसी वजह से कि मतलब मैं नहीं थी वो, तो आइटम नंबर फिर सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो किस पर सेलेक्ट हुई थी? मैंने अच्छा डांस किया था उस पर सेलेक्ट हुई थी, तो आइटम नंबर कितना डांस होता है? नहीं मतलब मैंने अपनी तरह से अच्छा डांस किया था, वैसे क्या किया, एक छोटा सा गाना अगर हम प्ले करें, नाचने वाला बंदा तो उंगलियों पर भी नाच ले, है ना, तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे दिखाएंगे इतनी जगहों पर, निधियों को मजाक है, मतलब ARY बोल, इतने चैनल्स, इतने कमर्शियल्स, इतने ब्रांड्स, मजाक है 12-13 साल की उम्र में ये सब कुछ करना, इट्स नॉट अ जोक, बट हाँ कुछ कर लेंगी यहाँ, मतलब के अलावा कुछ आपके आपके ऊपर ये देखो मैंने कर लिया ना, नहीं कुछ करो, खड़े होकर बैठ कर, द स्टेज इज योर्स, गाना कौन सा लगाया आपके लिए? कोई सा भी लगाना जो मुझे आता हो, बोल बीच का कोई गाना आपको पसंद है, कौन सा वाला? वो जैन भाई का जो आया हुआ शायद वो लगा, जैन का, जैन आपको भाई बना दिया जैन, जी हाँ, जितने भी यहाँ लोग हैं जाए बोल बीच पर जाए और आप लोग ये गाने सुन सकते हैं, एक्सक्लूसिव गाने हैं एंड दे रियली रियली नाइस, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं उसके, फ्रॉम बोल कफारा टू ऑल द हिट्स दे आर वेरी वेरी गुड, मुझे एक बात बताओ, ऑफ कोर्स यू डांस वेरी वेल, ठीक है, लेकिन हमें याद है जब हम 12-13 साल के थे, दो चुटिया, इतने से बाल, आगे का एक दांत खाली, कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा था, आजकल के बच्चे बदल गए, तो मतलब स्कूलिंग में यही होता था, मतलब नाचना नहीं, कब हुआ? स्कूल वाले नहीं अलाउ नहीं करते मुझे, नाचना शुरू कब किया? ये इतनी सी उंगली किसने नचाया, ये कीड़ा किसने दिमाग में डाला? हमारी मेरी जो फैमिली फ्रेंड थे तो उसमें जैसे मतलब करते थे ना, जैसे एक लड़की थी शायद वो डांस करते थे, मम्मा को पता था, शायद उसी को देख देख के ना मुझे भी शौक हो गया, ओके ओके, कभी अम्मी ने बोला कि यू नो थोड़ा टोन डाउन कर लो, क्योंकि एक होता है कि एक 12-13 साल की बच्ची यू नो ये यूँ यूँ वाले मूव्स, थोड़े से एक अडल्ट वाला एक फील आ जाता है, तो ज़्यादातर माएँ इस चीज़ के खिलाफ होती है कि नहीं होना चाहिए, तो कभी अम्मी ने कोई ऐसा कदम उठाया कि बेटा कुछ ओवरबोर्ड हो रहे हो, देखो बच्चे बड़े होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन आप एक छोटी की उम्र में कुछ कर रहे हो वो शायद अजीब दिखे, यू नो लोग उस बच्चे को, क्योंकि देखा जाए तो आप बच्ची हो, चाहे आप जितना भी मेकअप लगा लो, जितना भी आप यूं कर लो या ठुमके मार लो, यू आर अ किड, तो कभी ऐसा हुआ कि अम्मी ने बोला बस लाइक इनफ, घर बैठो, दैट्स इट, मैंने बोला कि ना बस डांस छोड़ दो, ओके, बस मतलब डांस का मुझे बस मना कर दिया कि मतलब अब डांस नहीं करोगे तुम, वेल आई थिंक यू डिड अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि डांस बहुत ही बच्चे की आई बिलीव मासूमियत हटा देता है सम पॉइंट, अब आप देखो आप यहाँ आती हो, आप चैंपियंस में खेल रही हो, ठीक है, वो गेम्स होते हैं, खुश रहो पर आप खेल रहे होते हो, वो सारे गेम्स हैं, ठीक है, उसमें एक भागम दौड़ी होती है और वो गेम्स आई बिलीव बड़े भी खेलते हैं, छोटे भी खेलते हैं, बड़ी आम सी होती है, वो जो एक डांस होता है वो बड़ा एक डिफरेंट होता है, मैं जितनी भी माएँ हैं अगर आपको नज़र आता है कि आपका बच्चा, देखो करने दो, लेकिन एक हद तक एक लिमिट बहुत ज़रूरी होती है, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, दुनिया किस तरीके से आपके बच्चे को देख रही है वो एक सवाल होता है, क्या हो रहा है उसके दिमाग का एक लाइक यू नो हर चीज़ बदलती है, तो दैट्स आंटी डिड अ वेरी गुड स्टेप, जब मैं छोटी थी ना तभी मतलब जब शौक था थोड़ा, हाँ तो वहाँ पे जाने दिया, जब मम्मा ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा इच्छा न न न न न न न हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, यदि बस अभी भी खत्म नहीं, मैंने कहा अब तुम बड़ी हो रही हो ना तो बस डांस को छोड़ दो, पहले कहा अब तुम पहले छोटी थी तो अच्छा लगता था, अब तुम बड़ी हो रही हो तो डांस को छोड़ो, एक्टिंग की तरफ फोकस करो,
हाँ ये बहुत ही अच्छा कदम है, वैसे ऐसा ही होना चाहिए। देखो बच्चों को आप बांध नहीं सकते आजकल के दौर पर, जंजीरें नहीं लगा सकते, लेकिन आजकल वही माँ बाप कामयाब हैं जो अपने बच्चों के दोस्त बनकर चलते हैं। क्योंकि जब आप माँ बाप बनते हो तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, तो यस दोस्त बनो, बच्चों को सही तरह कंट्रोल करो। और इसी तरह मैं देख चुके से वक्फा वक्त के बाद वापस आते स्टेज पर। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ आप लोग देख रहे थे वतीरा। गेम्स खेलना आता है? कौन सा गेम? बहुत सारे गेम्स खेल लेते हैं शुरू में, जैसे पता है आपको किसमें हो? पजल्स, नेट वाली एक गेम है okay. उसमें मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। नट्स, ओके तो तुम तो बड़ी अच्छी हो नट्स के साथ। नाइस कितने नट्स थे? मैंने 9 रखे। 9 नट्स, 9 नट्स को बैलेंस करना कोई आम बात नहीं है। चले जी आ जाए, आपको बुलाया नहीं ना फजूल में। ये खुद ही मतलब कुछ भी। चलो जी खोलो, अब आपने खोल दिया, अब हम कैसे बंद करेंगे? ये बड़ा हाँ ये मशहूर गाना है और बड़ा इंटरनेशनल मशहूर हुआ था। अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स ने ये गाने की एक्शन की थी। तो यस चलो 3 2 1 लिपसिंग नहीं करना। खोली जैकेट, खोली क्रिकेट गए यार सारे क्रिकेटर्स उस चीज को उस जब जीतते थे तो वो यही गाने पर नाचते थे। अच्छा अगेन करना। मैं इसको रोहित नहीं अपने आप को खोल देगा। सही कह रही है, थोड़ा सा सही कह रही है, पर वो थोड़ा घोड़े की तरह भी होता है। फर्स्ट स्टेप बताओ क्या है? फर्स्ट स्टेप चाइनीज है बंदा। मैंने इतनी बड़ी अच्छा वो एक मिनट याद आ गया। 3 2 नहीं 1 स्टॉप। क्या था गाना? 3 2 1 प्ले। यही तो मेरे जहन में आ रहा था, बता रहा चाह रहा हूँ। पता नहीं एक मिनट ये गाना और वो बोलना, शर्ट खुला बटन खुला, वो स्टेप ऐसे मार रही है वो इस तरीके से, बता नहीं कैसे कर रही है। क्या बोल गया, क्या बात कर रही थी? ओपन कैसे कर रही है? ओपन तब मैंने पहले यूं भी कर लिया ओपन, ये भी ओपन ही है। ये भी गाना है, ये भी गाना है। मैं वो एक्ट्रेस को मिला है सितारे इम्तियाज, पाकिस्तानी गाना है। बोलना बात करना, मुझे बिल्ली भी आता है उस अच्छा वो मुझे कहते हैं बिल्ली। थैंक यू, ओह माय गॉड मुझे इतना सुकून फिर किसी को करना पड़ता है। थोड़ा सा कर दो द नहीं नहीं यार, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाना, दैट्स रियली नाइस। थर्ड वन सॉन्ग है? नहीं ये एक बहुत ही मशहूर बोलना कहावत जैसे कुछ प्रॉब्लम है। अल्फाज कितने? 1 2 3 4 5 6 पहले अल्फाज होता है बहुत सारा। बातें टांग पाऊं घुटना पाऊं पाऊं लंबा कर दिया। ओके मैं नहीं नहीं भाई पाऊं लंबा कर दिया फिर पाऊं सर से लगा दिया यू फिर पाऊं को ये कर दिया भाई मेरी मैं चादर खोल दिया। मैं वो कैसे बताऊं? वो ही तो बताना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तंग आ गई हूँ कभी क्या हो गया। चलो यार शराफत से नहीं आ रहा सही। पहला बता, पहला क्या था? मैं नहीं चादर ये कैसे बताऊं? ये पता नहीं आप बताओ मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। पहला वर्ड क्या था? 4 3 जी 2
जितनी लंबी चादर उतने पैर फैलाओ, फैलाओ, फैलाना। हाँ ठीक है, समझ में आया? अब मैं समझ नहीं आया तो मैं कैसे करूं? था मेरे लंबी। चलो आ जाए, अब आपकी बारी। जो डब्बे इन्होंने खोले नहीं वही आप खोल लो। वही खोल लो। इन्होंने 6 खोला और आपने कौन सा? 3-1 ओके 6-3-1 अब आप 5-4-2 खोल सकते हो। ओए हो, ये तो बड़ा आसान है। ये 4 भी बोलना है? हाँ भाई, मेरे ऊपर क्यों खड़े हो रहे हो? वहां जाओ। बोलो ना, पढ़ कर। जो भी मर्द होता है मैं उसको बोलती हूँ पढ़ो, और फिर होस्ट को सिर्फ आकर थमा दो, उसके सर पर झुक कर प्लीज ना पढ़ो। चले। यार बड़ा आसान है, और बहुत सारी माइक बोलती है। 1-2-3-4 लफ्ज। दरवाजा खटकाओ, दरवाजा दरवाजा बंद कर करो, दरवाजा अंदर, दरवाजा अंदर, दरवाजा बाहर क्या? अंदर दरवाजा बाहर क्या? दी खटकाओ, खटकाओ दरवाजा, दरवाजा टीवी, टीवी ढोल बजाओ। ढोल है, है ढोल 3 नंबर पर है। टीवी दरवाजा यही बोल दे। हेलो, यूं पहला लफ्ज यूं है, यूं यूं बड़ा आसान है। डोर का। एक मिनट काट, ये तो पहले राउंड पर। एक मिनट, तुमने क्या पढ़ा? मैं डोर के ढोल सोने दिख। डोर के ढोल, दूर के ढोल के बजाय डोर। मैं तो कब से दरवाजा यूं यूं कर रहा हूँ। मैं भी वही दरवाजा। मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है, क्या डोर के ढोल, डोर कैसे? मैं डोर करे जा रहा हूँ, मैं दूर ही ना कर दूँ, मैं दूर। चलो मैं पाऊँ दूर, अब दूर है। पहले तो तुम बड़ी आराम से डिस्क्वालीफाइड हुए, कभी कोई बात नहीं। नेक्स्ट। बस हो गया जी जी, पूरा बता दिया। निधि आपने कुछ नहीं किया। चले, ये उर्दू है भैया, ये इसमें तो पता चल रहा है ना यार। फोर वर्ड्स, 4 दिन, 4 दिन 7 वर्ड्स है। चादर, लाइट, तार, सोच, रोशनी, चमकना, तारे, दिन, आंखें, शेड, शेड, हाँ, वेरी नाइस। चांदनी बीच का लफ्ज है। चांदनी 4 दिन की, वो बता, 4 दिन की। शुरू को तो बता तो दिया, 4। हाँ चार दिन की चांद, 4 दिन की चांदनी, रोशनी, बादल, बारिश। 4 दिन की चांदनी में बारिश वाली रात, गीली गीली रात। वक्त, घड़ी, हाँ, चौदहवीं की रात, चौदहवीं की रात। 5-4-3-2-1 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। एक तो डोर का सुहाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। चले जी, ओके, तीसरा खोल दिया। क्या? आई हाय, ये बड़ा प्यारा गाना है यार, पंजाबी गाना है, और इंटरनेशनली इस गाने ने तबाही फेरी थी। हर बंदा जो पंजाबी नहीं था, गोरा तक अभी तक सुनता है, किसी गोरी जगह पर जाओ तो वो कोई भी देसी गाना चलता है तो वो ये गाना चलता है, और इसका होता है तारा रा। करे 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 करे, मैं करो करो करो, मैं आप, पहले ही गलत हो गया। मुझे आपको पंजाबी गाने में मुझे आपको, ये इसका छोटा छोटा फटफटी वाला रिक्शा होता है ना, तुरुत तुरुत तुरुत, भाई उससे आगे भी कुछ लफ्ज होते हैं पंजाबी में। तू तो छुपी रहे। हाँ हमारा रंग बिरंगी राय।
आ रही है भाई। अच्छा बताएं, मैं पंजाबी में साडा हक इत्थे रख ये साडा इतनी वड्डी साडा साडा वादा नहीं साडी दोस्ती Five, साड़ा आटा पटा क्या साड़ा आगे साड़ा मुझे पंजाबी नहीं आती रहोगे तो ऐश करोगे चलो मेरे दिमाग को कैश करोगे कैश क्या माँ बहने करोगे क्या था बताई सही नहीं साड़े नाल कैसे यार क्या नहीं पता तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा यार साड़े नाल रहोगे तो एक मतलब मुझे एक बात बताओ गाना पंजाबी बंदी उर्दू बोली जा रही है मैंने साडे बोला वरना वो तो साडे भी नहीं वो तो मैं तुम हम बन और वो उल्टा अलग ही शस्त्रों में लगा हुआ है अलग ही दुनिया में चल रही है हाँ अलग ही दुनिया में मुझे तो लगता है ये दोनों अलग मखलूक है हाँ हरा क्यों पहना अब ऐसे वो माधुरी का गाना मार डाला देख कर आई नहीं ऐसे दिल का वैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन सबसे ज्यादा पसंदीदा है आपको इकरा अज़ीज़ हाँ वो बहुत प्यारी माशाल्लाह और एक्टर हानिया एक्टर हानिया तो मर्दवाद से अच्छा एक्टर फैसल कुरैशी भी बहुत अच्छा है आदरा जमी बहुत अच्छे हैं और क्या क्या बस ये यही अच्छा है उनका पहले तुमने हानिया को मर्द बनाया हानिया कोई बात तुम बताओ क्या हाउ आर यू अल्हम्दुलिल्लाह बताएं कैसी हैं कहां व्हाई यू हियर क्योंकि शोर चल रहा था दूर फिटे मुंह मजाक कर रही हूं खैर हां आपका फेवरेट एक्टर कौन है यार दानिश तैमूर ओके एंड क्यों लड़की मैंने भी ले लिया नहीं तुमने नहीं लिया दानिश तैमूर का नाम नहीं मैंने नहीं लिया नहीं लिया पर खैर कोई बात नहीं तो यस आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इंस्टाग्राम पर तुम लोग हो क्या करते हो इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स अपलोड करते हो ओह वाओ मैं सब पुकार करते हैं वैसे हमें नहीं पता था आहा बट एनीवेज हम एक और चीज़ अपलोड करते हैं वो एक ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आते स्टेज देख रहे थे वन एंड ओनली इंस्टा शो विद मी मिथिरा एंड यस अंजिश एंड अहमद मिर्जा आहा वैसे मुझे नाम मिर्जा से बहुत नफरत है क्यों मिर्जा गालिब के अलावा नाम से बड़ी नफरत मिर्जा से मिर्जा नाम ऐसा क्या बिगाड़ा है हम जैसे मासूम लोगों ने अड्डे मासूम ऐसे मार दो चितड़ मार रे मासूम खैर कोई बात नहीं कान बंद करेगा कौन पहले चलो जी ओके यू हैव टू इसको हाँ म्यूजिक क्या करूँ आवाज आ रही है आपको इसके होंठ पढ़ने ठीक है शी इज गोइंग टू से अ वर्ड यू विल हैव टू लाइक हाँ पहचानना है चलो ठीक है चलो रेल गाड़ी चुका चुक रेल केला रेल नेक रेल रेल रे रेल यार मुझे ऐसी आ रही है उसका मुंह देख रही हूँ रेल गाना रेल 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 गाड़ी छिका लंदन जाना है नहीं रेल गाड़ी छिका छिक रेल रेल लाला ओ भाई हटाओ 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 ताने कौन सा लाला तुम्हें याद आ रहा है भाई पता नहीं क्या कर रही है भाई कभी लाला कभी कोला फिर पीला केला क्या हो गया भाई रेल गाड़ी चुका चुक रेल अच्छा रेल अच्छा क्या हो गया इस बच्चे का दिमाग एक ही जगह अटका हुआ है चलो एक ही तरफ क्या वो अच्छा चलो मेरी चूड़ियां मेरी चूड़ियां इशारे नहीं करने मेरी मैं मेरी मेरी चूड़ियां चूड़ियां हो गया तीसरा
दूध की बॉटल। दूध तो दूध तो दूध दूध की बोतल की खीर की घी की दूध की खीर की यार नहीं भाई क्या हो गया है क्या है दूध दूध की दूध की और की दूध की दूध है दूध की बोतल दूध डबल रोटी दूध 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 की घी की ओ भाई हटाओ क्या कह रही है क्या बोलने क्या चल रहा है कभी दूध होता है कभी खीर होता है फिर पूछ रहे दूध है कितना पटक गई से क्या है समझ नहीं दूध की दूध की बोतल क्या दूध की दूध की बोतल सिंपल बोतल नहीं बोला था तो और क्या तुम्हें क्या भैंस लगा कर दूध ही समझ आ रहा है कुछ समझ ही नहीं चले जी आपकी बारी चले जी स्टार्ट म्यूजिक 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 इनकी मासूमियत पर ना जाना इनकी इनकी कितनी इनकी गंदी गंदी नहीं इनकी कितनी अच्छी इनकी 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 अच्छी इन 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 दिन इन हिंग इन इनकी मासूमियत क्या चल रहा है इनकी मासूमियत इतनी मासूमियत इतनी मासूम इनकी मासूमियत पर मत जाना इतनी मासूमियत पर मत जाना मत जा हाँ गलत बोला लेकिन बोल दिया हाँ शुक्र दूसरा निकालो गई भैंस पानी में गई भैंस पानी में गई भैंस पानी में गई गई भैंस 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 पानी में इशारे क्यों कर रहे हो अच्छा गई भैंस पानी में होते हैं गई भैंस पानी में पानी में पानी में पानी 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 में पानी में हाँ जैसे आपस की बात है बोला इशारे नहीं करो अच्छा अच्छा इशारे कर रहे हो आपका दिमाग स्लो चलता है वैसे इसको समझ ही नहीं आ रहा नहीं फिर आपको तो समझ में आ रहा है ना या नहीं समझ में आ रहा चले जी हाँ चले मेरे शो की हो गया हाँ बिल्कुल पार हो गया चले जी हटाएं हटा दो वाओ वैसे अच्छी बात है वैसे इतना चीख क्यों रही थी आपस की बातें अच्छा। यही है तोतली की हो रही थी मैं ये बताओ समझ नहीं आया था क्या आप तोतली हो नहीं। वैसे टू बी ऑनेस्ट तोतला होना कोई बुरी बात नहीं है एंड जितने भी बच्चे हैं जो मैं खुद बचपन में तोती थी सो आई रियली से दैट जितने भी लोग देख रहे हैं जितने भी माएँ देख रही हैं अगर आपके भी बच्चों के साथ कुछ ऐसा स्पीच स्पीच या ऐसी कोई डिफिकल्टीज है तो फिर आप जाकर यू गाइज कैन गेट इट ट्रीटेड सो यस तोतलेपन का मजाक नहीं उड़ाते इसके अलावा आप बताओ फ्यूचर में क्या सीन है मतलब अपने आप को ऊपर के अलावा कहाँ देखती हो कहाँ देखती आईने में देखती हूँ कहाँ देखती हूँ बहुत देखती हूँ अपने आप को अच्छी लग रही है 10 साल में भी आईने में देखती हूँ वैसे शादी कब करनी है तुम्हें कोई कोई सोचा है नहीं तो नहीं करनी अभी उम्र नहीं है ना इसकी 7th क्लास में तो हाँ इस बात पर उम्र नहीं है तुम बड़े आए हो अब्बू जी हाँ हाँ डैडी हो आप या अब्बू है इनके नहीं इसने सोचा नहीं ना फ्यूचर के बारे में सोची हुई क्या अब्बू है इनके बताएं उंगली पकड़ कर क्या आपने इनको चलना सिखाया नहीं ना ऐसे मैंने सिखाया आपको कुछ क्या सिखाया इसने एक मिनट मैं एक सवाल पूछती हूँ क्या सिखाया इसने अभी कह रही उंगली पकड़ के चलना सिखाया आप कह रही नहीं नहीं वो मजाक कर रही थी चलो कोई बात नहीं शाउट आउट दो अपने आप को और मैं भी हाँ शुरू सो गाइस मेरा इंस्टा में नाम है अंशिश फातिमा जल्दी से जाएं फॉलो करें और बस देखते रहें मैं कितनी प्यारी लगती हूँ उधर पिक्चर्स में Oh wow, that's great. That's a very good shout out. हाँ, चलें. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हैं अहमद मिर्ज़ा इंस्टा शो पर मौजूद है तो
देर किस बात की, आई एम अहमद मिर्जा के नाम से आईडी है, अभी जाके सर्च करें और जिसने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें। हाँ, और बाद में ब्लॉक भी कर लेना, मैं आपको बोलती हूँ इसको ब्लॉक करो, ये नाला वाला बंदा है और नाले भी सही का नहीं खोलता क्योंकि खुद के दिमाग में नाले चल रहे होते हैं। बट क्या है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ आए। एंड गाइज, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।